नमस्कार, मेरा नाम सुदीप्ता है और आज मैं फिर से आई हूँ एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए। आपका स्वागत है हैप्पी हार्ट 1111 यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे हम माइंड बॉडी स्पिरिट ओवरऑल आपके पूरे वेलबींग से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उनके बारे में हम हर रोज एक नए टॉपिक के साथ आते हैं। तो आज का टॉपिक है कि हाउ एन एजुकेटेड एंड करियर ओरिएंटेड वुमन हेल्प्स इन मेकिंग अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। कैसे एक पढ़ी लिखी और इंडिपेंडेंट औरत एक सोसाइटी को, समाज को विकसित होने में हेल्प करती है, तो इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये आता है कि अगर एक औरत, एक लड़की एजुकेटेड होती है, तो हमने ये अक्सर सुना होगा कि एक औरत जब एक लड़की को जब हम एजुकेट करते हैं तो वो पूरी एक पीढ़ी को एजुकेट करने में योगदान देती है, या एक एजुकेटेड वुमन वुड ले द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फैमिली। अगर औरत एजुकेटेड है तो उससे होने वाले जितने भी आगे की पीढ़ी है, यानी उसके बच्चे और उनके बच्चे, उनको भी ये प्रोत्साहन मिलेगा कि हम भी एजुकेटेड हों, क्योंकि वो हमेशा एक एजुकेटेड वुमन वो हमेशा ये चीज़ सुनिश्चित करेगी कि उसके बच्चे वेल एजुकेटेड हो और करियर फोकस्ड हो। तो जब आप स्पेशली अपने मदर्स को देखते हैं कि वो एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल को फॉलो कर रही है, और एक एजुकेटेड वुमन घर में अलग तरीके की बातचीत करती है, उनकी माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है एक नॉर्मल हाउसवाइफ से, और उनका जो अप्रोच होता है लाइफ को लेके बहुत ही प्रैक्टिकल से ज़्यादा मैं कहूँगी रैशनल होता है। उनको पता होता है कि कब मुझे इमोशनल होना है और कब मुझे प्रैक्टिकल होना है, तो क्योंकि वो नर्चरर का रोल प्ले करती है। एक हस्बैंड से ज़्यादा एक वाइफ नर्चरर या उसका जो बच्चों को बड़ा करने में योगदान है सबसे ज़्यादा रहता है। तो बच्चे अपनी माँ को जब देखते हैं कि वो इतनी डिसिप्लिन लाइफ को फॉलो कर रही है, अपने करियर में फोकस्ड है, हमेशा अप टू डेट रहने की कोशिश करती है, तो वो भी उस चीज़ से प्रेरणा लेके अपनी लाइफ में वैसे ही विचारधारा और उसी तरीके की लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। दूसरा आता है कि एक एजुकेटेड और करियर ओरिएंटेड वुमन ज़्यादा सेटिस्फाइड और हैप्पी होती है, इसीलिए वो अपने घर वालों को भी हैप्पी और सेटिस्फाइड रखती है। क्योंकि अगर एक घर में आपकी डॉटर इन लॉ है या आपकी वाइफ है, वो अगर दुखी है, अनसेटिस्फाइड है अपने लाइफ में, वो कहीं ना कहीं अपने आप को अधूरा या यू नो अनफुलफिल्ड समझती है अपने लाइफ को, तो वो कभी भी अपना 100% नहीं दे पाएगी अपने बच्चों को बड़ा करने में, या हस्बैंड के साथ कभी उसका उस लेवल का माइंडसेट नहीं बन पाएगा। और इन द लॉन्ग टर्म ऑल्सो, अगर आपको अपने हस्बैंड के साथ एक हेल्दी डायनामिक्स रखने हैं या एक हेल्दी मैरिज को कंटिन्यू करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉमन टॉपिक्स में या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लाइफ के, जो भी डिसीजन आप ले रहे हो साथ में लें, उसमें एक वाइफ का भी पार्टिसिपेशन उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। पर उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपकी वाइफ है या आपकी जो सिग्निफिकेंट अदर है, उसका एजुकेटेड होना, उसका करियर ओरिएंटेड होना, उसका टाइम के अकॉर्डिंग अप टू डेट रखना अपने आपको, क्योंकि ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। अगर आप अपने आप को अप टू डेट नहीं रखते हैं तो आप सोसाइटी में हो रहे चेंजेस से वेल वर्स्ड नहीं रहते हैं। आपको नहीं पता कि आज क्या चल रहा है, आपके बच्चे कुछ नए क्वेरीज आपके साथ आपके पास लेके आएंगे, या कोई भी चीज़ है, आप उन डिस्कशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और फिर आपको कहीं ना कहीं छोटा महसूस होगा। तो इसीलिए एक वेमेन का एजुकेटेड और करियर ओरिएंटेड होना ज़रूरी है ताकि वो खुश रहे, क्योंकि जब वो आसपास सभी को देखेगी अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इन जनरल, तो और वो पाएगी कि मैं कुछ भी सोसाइटी में मेरा कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं है जिसको एक्नॉलेज किया जाए या अप्रिशिएट किया जाए, या मुझे वो काम नहीं कर पा रही हूँ मैं जो मैं करके फुलफिल्ड फील करती हूँ, चाहे वो एक हॉबी ही क्यों ना हो। ज़रूरी नहीं कि वो उससे पैसे ही कमा रही है, बट उसका हॉबी ही है वो, तो वो फिर बहुत अनसेटिस्फाइड फील करती है, और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ी हो सकती है, चिड़चिड़ी मोस्ट ऑफ द केस हो सकती है, और फिर नार्सिसिस्टिक हैबिट्स में जा सकती है। और नार्सिसिस्टिक एक औरत का होना बहुत ही पूरी जनरेशन्स के लिए बहुत ज़्यादा वो हानिकारक होता है। तीसरा आता है कि जब एक औरत पढ़ी लिखी और करियर ओरिएंटेड होती है या क्रिएटिव होती है, एक हॉबी अपने ज़िंदा रखती है, अलाइव रखती है अपनी लाइफ में, बिसाइड्स उसके बाकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो सोसाइटी में भी वैल्यू एडिशन, यानी सोसाइटी को भी उसके कॉन्ट्रीब्यूशन से फ़ायदा होता है। अगर वो एक बिजनेस वूमन होती है तो सोसाइटी में वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट करती है, वैसे ही अगर वो प्रोफेशनल है इन द सेम मैनर, अगर वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है एज अ डॉक्टर, फॉर एग्जाम्पल एज अ गायनेकोलॉजिस्ट। मोस्ट ऑफ द वुमेन प्रेफर करती है कि उनकी गायनेकोलॉजिस्ट जो होती है वुमेन ही हो। अब वो तो तभी पॉसिबल है कि जब वुमेन्स एजुकेटेड, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और वो
उस लेवल की पढ़ाई कर पाए, उनको MBBS कराया जाए, उनको गायनोकोलॉजिस्ट बनाया जाए, जो भी बनना चाहती है। तो वुमेन का बहुत सारे जो प्रोफेशंस हैं उनका उसमें एक अलग एक्सक्लूसिव रोल रहता है। फॉर एग्जाम्पल जिसमें गायनोकोलॉजिस्ट की बात करी, फॉर एग्जाम्पल जिसमें टीचर्स, एक टीचिंग का एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। जनरली अगर आप देखेंगे जो एलिमेंट्री स्कूल के टीचर्स होते हैं, वो जनरली प्रेफर किया जाता है कि फीमेल को रखा जाए, क्योंकि फीमेल्स के अंदर इनहेरेंट नर्चरिंग क्वालिटीज़ होती हैं। तो एक फीमेल एक बढ़ते हुए बच्चे को, मतलब जो बिल्कुल एक छोटा बच्चा है, उसको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लेके आती है वो, जहाँ उसे बिल्कुल अक्षर भी पढ़ना नहीं आता है, उसको खुद संभाल के अपने आप को बिठाना भी नहीं आता है, वो एक मेल से ज़्यादा एक फीमेल समझ सकती है। और ऐसे ही बहुत सारे रोल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल नर्सेस आप ज़्यादातर देखेंगे तो फीमेल्स ही होती हैं, मेल नर्सेस जनरली कम होते हैं, अगेन फॉर द सेम रीज़न, बिकॉज ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस विच अ वुमन पोजेस मोर देन द मेल्स। तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ और सोसाइटी के प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि कई लोग अगर आप देखेंगे तो अपनी वाइफ्स को डॉक्टर्स के पास लेके नहीं जाना चाहते हैं आज भी बहुत जो रिमोट एरियाज में, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक डॉक्टर अगर उनको, उनकी वाइफ को किसी भी निजी बीमारियों से संबंधित अगर वो दिखाना चाहते हैं तो वो एक फीमेल डॉक्टर ही हो, और फीमेल्स भी कंफर्टेबल होती है, बट वो तभी पॉसिबल है जब फीमेल्स को हम एजुकेट करें और उनको इस प्रोफेशन की ओर जो है प्रोत्साहित करें, अगर वो जाना चाहती है तो बिल्कुल उनको करने दिया जाए ये चीज़। चौथा आता है कि घर में अगर आप देखेंगे तो एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड और करियर ओरिएंटेड वुमन जो है ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, क्योंकि घर में जो घर की पॉलिटिक्स होती है, फैमिली में जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं, सास बहू के झगड़े या जितनी भी फीमेल्स होती हैं घर में, सिस्टर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ मतलब ननंद और भाभी के झगड़े या जितने भी इस तरीके के झगड़े हैं, वो इसीलिए होते हैं, जो कैट फाइट्स होते हैं, क्योंकि जब कोई भी इंसान, जैसे फीमेल्स पे लागू नहीं होता मेल्स पे भी लागू होता है, किसी भी इंसान को अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करने से रोकेंगे ना, आपको डेवलप और ग्रोथ करने से रोकेंगे, तो वो कहीं ना कहीं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, और फिर शुरू में वो सप्रेस करते करते अपने आप को त्याग की देवी भले ही बने, लेकिन एक टाइम के बाद, मैंने खुद अपने घर में कई सारे एल्डरली वुमेन्स को देखा है जो एक पॉइंट के बाद बहुत ही चिड़चिड़ी, बहुत ही ज़्यादा दकियानूसी, और दूसरों की लाइफ में से उनको होता है ना कि कड़वाहट भरने के अलावा या झगड़े करवाने के अलावा उनका कोई काम नहीं बचता है, क्योंकि उन्होंने जब उनका कुछ करने का टाइम था उस समय उन्होंने अपनी खुशियों को, अपनी एम्बिशंस को मारा, ये सोच के कि मेरे से सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस कुछ और है, मैं अगर ये चीज़ करने जाऊँगी, अपनी मन की करने जाऊँगी या अपने आप को ग्रो और डेवलप करूँगी, तो मैं कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को निगलेक्ट कर रही हूँ या फैमिली के अगेंस्ट जा रही हूँ। बट फिर वो होते होते ओवर द ईयर्स इतना हो गया कि जब तक वो 60s में पहुँची या 50s में भी पहुँची, तो वो बहुत ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं एक्सेंट्रिक हो जाती है, सठियासी जाती है, उस स्टेज में आ जाती है, क्योंकि एक नाखुश इंसान ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, शुरू में वो हो सकता है कि आपको लगे कि अरे वाह ये लोग तो, ये तो बहुत ही माँ का तो काम ही है त्याग करना या फीमेल का तो काम ही है त्याग करना, बट वो एक ट्रबल मेकर बन जाती है फैमिली में, क्योंकि उसने अपने वो ईयर्स में वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ को और सारे जो भी उसके अंदर की ख्वाहिशें थी कुछ करने की, कुछ सीखने की, आगे बढ़ने की, उसको वो दबाती चली गई, और उसके बाद फिर वो आगे चल के अपने से छोटी लड़कियों को या किसी को भी, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट किसी भी लड़की को, वो देखती है कि उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, पढ़ाया जा रहा है या कुछ भी कराया जा रहा है, मतलब उनको ज़्यादा फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक्सप्रेशन की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उनके अंदर चिड़चिड़ाहट और जलन की भावना बहुत ही स्वतः अपना आप ही उनके अंदर उत्पन्न होती है, और फिर वो घर में हर तरीके की फिर कंस्पिरेसीज और षड्यंत्र रचना वही उनका काम रह जाता है। तो अगर एक विमेन, एक लड़की को पढ़ाया और करियर ओरिएंटेड बनाया जाता है, तो घर में इस तरीके की जो छोटी छोटी बात में और इस तरीके की शैलो फाइट्स या पॉलिटिक्स, जिसे हम कहते हैं होम पॉलिटिक्स, उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, इनफैक्ट बिल्कुल ही खत्म किया जा सकता है, क्योंकि घर में अगर औरतें अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट में फोकस रहेंगी, अपनी किसी हॉबी को परस्यू करेगी, करियर में ध्यान देगी, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है या उनके पास इतना मेंटल स्पेस नहीं है कि वो किसी की और की लाइफ को बर्बाद करने में या उनकी लाइफ में कड़वाहट या प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में अपना ध्यान लगाएगी। और ये उसके लिए भी बेनिफिशियल है एज अ ह्यूमन, बिकॉज हम इंसान के रूप में इसलिए आए हैं क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं जो कि जानवर पशु पक्षी नहीं कर सकते। हमें बोलने की शक्ति है, हमें सोचने की शक्ति है, हमें नई नई चीज़ें बनाने की शक्ति है, आविष्कार करने की शक्ति है, अपनी बात को दूसरों के समक्ष रख के हम जो सोसाइटी में कई सारे चेंजेस ला सकते हैं। और अगर वेमेन को, जो कि एक मेजर पार्ट पॉपुलेशन का पार्ट है हमारे हमारी दुनिया का, उसको हम इस चीज़ से वंचित रखते हैं, इस चीज़ से दूर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सोसाइटी को मतलब उस पोटेंशियल से वंचित कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि घर में अगर सुख शांति चाहिए, सोसाइटी में आपको प्रोग्रेस चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा चाहिए, और आपको ये चाहिए कि आपकी जो आगे की जनरेशन्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड और वेल एजुकेटेड प्रोग्रेसिव हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो इन सब चीज़ों का फाउंडेशन है, जो कि एक वुमेन है, एक औरत है, एक लड़की है, उसको आप फैसिलिटेट कीजिए बाई एडुकेटिंग देम
एंड बाय मेकिंग देम करियर ओरिएंटेड. और करियर ओरिएंटेड का मतलब ये नहीं कि सब मल्टी मिलियनियर्स ही बन जाएं या पैसों को ही मोटिव लेके वो कुछ परस्यू करें, बट आपका क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, आपका एक हॉबी होना बहुत ज़रूरी है, आपका किसी तो चीज़ में कोई एक यूनिक आपके अंदर ज़रूर क्वालिटी होती है जिसको आपको इन्हांस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो माइंड है अच्छी चीज़ों में लगे, ना कि घर में झगड़े करवाने में या इधर उधर गॉसिप करने में, चुगलियाँ करने में या किसी को नीचा दिखाने में. क्योंकि हम ये हर किसी के लिए लागू होता है, सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं. गर्ल्स के इसमें थोड़ा ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि गर्ल्स को उनकी एनर्जीज़ को अच्छी चीज़ में चैनलाइज ही नहीं किया जाता शुरू से. वो अपने पेरेंट्स मम्मियों को भी वही करते हुए देखती है, आंटियों को भी वही करते हुए देखती है, और फिर उनका भी कहीं ना कहीं माइंडसेट हो जाता है कि ये तो गर्ल्स का काम ही है, कि अल्टीमेटली जब तक आप इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो तो आप लड़की नहीं हो, और दुनिया में आपसे यही एक्सपेक्ट करने लग जाती है. तो ये ज़रूरी है कि लड़की को आप एजुकेट करें और करियर ओरिएंटेड बनाएं, और उसको सेटिस्फाइड रखें. वो खुद सेटिस्फाइड रहेगी तो लाइफ में वो मतलब जो भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगी वो उसमें भी सेटिस्फैक्ट्रीली अपना बेस्ट मतलब अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे पाएगी. क्योंकि अ हैप्पी वुमन क्रिएट्स अ हैप्पी फैमिली एंड अ हैप्पी फैमिली क्रिएट्स अ हैप्पी सोसाइटी. सो आई होप आपको मेरी बात समझ आई हो, और आप जो है हैप्पी हार्ट 11/11 चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करिए कि इस बारे में आपका क्या क्या विचार है, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियोस मिलते रहें. और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी हार्ट्स, हमेशा हैप्पी रहिए है.